नमस्कार सभी को, मेरे सेशन में सभी का स्वागत है। स्वागत करता हूँ। फर्स्ट और माफी चाहता हूँ कि मैंने टाइम चेंज किया है। जो मेरा रोज़ सेशन जो रहता है वो 7 PM को रहता है, लेकिन आज मैंने 11 PM कर दिया, तो माफ़ कर दीजिए। बिकॉज टाइम चेंज करने का भी एक कारण है, बहुत सारा काम था, उसके लिए मैंने सोचा कि आज रात 11 PM को मैं मेरे पेज पर लाइव जाऊँ। ओके, तो एनर्जी मेरा कम नहीं हुआ, वही एनर्जी है आपके साथ, वही एनर्जी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ मैं आपके साथ मतलब शेयर करूँगा। आज मैं बोलने वाला हूँ फिटनेस विषय पर। ओके, तो भाई बहुत दिन से मैंने ये प्लानिंग करके रखा था कि फिटनेस के बारे में कुछ तो बोलना है, बिकॉज मैं फिटनेस के ही क्षेत्र से हूँ। ओके, मैं सभी को मालूम है एक वेलनेस कोच हूँ, बहुत सारे लोगों को उठना, उनके फिटनेस गोल, उनके जो भी मतलब फिटनेस गोल के अचीवमेंट हो, उनके लाइफ में फिटनेस का कुछ भी फंडा उनको अचीव करना हो, इसके बारे में उनको हेल्प करते रहता हूँ। ओके, तो बहुत सारे लोग मेरे वहाँ पे मतलब मेरे सेंटर को आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं उनको हेल्प करने का मेरे मन में मतलब हम जो सिंसियर के साथ उनको एक अच्छा सर्विस देने का हम प्रयास करते हैं, जो कि लाइफ टाइम फिट हो जाए, उनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए शारीरिक और मानसिक तौर पर। तो फिटनेस बढ़ते ही रहना चाहिए, फिटनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। हम फिटनेस रहेंगे तो ही हैप्पी महसूस कर पाएंगे, फिटनेस नहीं है कुछ भी नहीं है। तो फिटनेस को बहुत ही बढ़ावा देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। जितना हम फिटनेस में रहेंगे उतना हम मतलब टोटली मानसिक शारीरिक सभी तौर पर फिट रहेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे फिटनेस कैसा रखना है, फिटनेस का फंडा क्या है, फिटनेस क्यों ज़रूरत है लाइफ में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ओके, तो एक ध्यान में रखिए आप, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ये हार्ड एंड रूल, इसमें फास्ट कोई भी रूल नहीं है। ओके, हेल्थ आपको मतलब इसको शॉर्टकट नहीं है, न्यूट्रिशन के लिए शॉर्टकट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हेल्थ और फिटनेस आपको बनाना है तो धीरे धीरे से आपका जो भी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी अपना डिसिप्लिन है उसमें चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे मतलब बैड हैबिट्स है, हमारे बहुत सारे कुछ हम मतलब सेहत को हम वहाँ पे नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं करना है। हम जितना सेहत हमारा अच्छा रखेंगे उतना भविष्य अच्छा रहेगा। कैसा है, हम एक परिवार का सदस्य, मैं फिटनेस के लिए स्टार्ट करूँगा तो मेरा ओवरऑल फैमिली फिटनेस में रहेगा, ये ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी फिटनेस को लेकर हम आज आपको बहुत सारे पॉइंट्स में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट्स ऑलरेडी आपके साथ निकाल के रखा हूँ, ये पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ में। और इस पैंडेमिक में तो आप देखते हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपना सेहत अच्छा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल टाइम पैंडेमिक में नहीं बोलता हूँ, इसके आगे भी हमको खुद को फिट रहना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, बहुत सारा फिटनेस हमें लाना बहुत ज़रूरी है। जितना हम फिटनेस में लाएंगे उतना अपने भविष्य के लिए बेहतर होगा, जो भी प्रॉब्लम्स है वहीं पर भी स्टॉप हो जाएंगे, जो भी फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अपने बॉडी के तौर पर वो सब प्रॉब्लम्स वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, ये ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। तो खुद की बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है जानना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरा बॉडी है अभी, ओके, मुझे दर्द हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी आपको रिएक्ट कैसे करती है, सपोर्ट कैसे करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। रिएक्ट अच्छा नहीं कर रही है, दर्द हो रहा है कहीं पर तो प्रॉब्लम है, मतलब आपकी बॉडी आपको साथ नहीं दे रही, ये ध्यान में लीजिए। हम जितना अपने बॉडी को अच्छा रखेंगे उतना भविष्य बेहतर होने वाला है, फिटनेस अच्छे रहने वाले, अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ने वाला है, ये ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं करते हैं अपना बॉडी फिटनेस में नहीं रहेगा, फ्यूचर में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम फिटनेस में रहेंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे, फीलिंग बहुत अच्छा आता है हर टाइम। हम फिटनेस मतलब एक्साइटमेंट से बात करेंगे, एनर्जेटिक से बात करेंगे, वो कि जो भी अंदर हमारे फीलिंग्स है वो अच्छे आएंगे, कौन सा भी काम करने के लिए मूड आएगा, आप रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, कंटिन्यू काम करने का आप मन होता है, ऐसा आप रहेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होता है, ये तो ध्यान में रहिए। ये सब होता है ओनली एंड फिटनेस एंड फिटनेस। ओके, हेल्थ एंड फिटनेस अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे न्यूट्रिशंस क्लब में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि शारीरिक तौर पर
बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, लेकिन हमको एक उनको एक अच्छा प्लानिंग देते हैं जो कि एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, बहुत तरीके से हम उनको वहाँ पे एक अच्छा सर्विस देते हैं जो कि उनके लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ आ जाए, ओके, वो हैप्पी महसूस कर जाए, उनके परिवार के साथ एक अच्छा फिटनेस का एक इवेंट शुरू कर जाए। इन सभी के बारे में बहुत सारा हम उनको वहाँ पे हेल्प करते हैं एक अच्छा फिटनेस गोल अचीव करने के लिए। फिटनेस एनी ओनली फिजिकल नहीं होता है, ओके, फिटनेस मतलब ओनली फिजिकल फिटनेस नहीं होता है, आप मेंटली तौर पर भी फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटली तौर पर आप साइलेंट और हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब कभी भी एक हैप्पीनेस महसूस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए अंदर से फीलिंग। ये कब आता है? आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करने के बाद आपके बॉडी में इंडोरफिन्स नाम का जो हार्मोन्स रिलीज होता है, तब जाके मतलब आप हैप्पीनेस रह सकते हो। आपके पास पैसा है, गोल्ड है, गाड़ी है, इमारत है, बिल्डिंग, ये कुछ नहीं है। आप रोज़ एक्सरसाइज करना है, अच्छा न्यूट्रिशंस लेना है, आप ये करेंगे तो आपका बॉडी अच्छा बनेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपका मेंटल अच्छा रहेगा, आपका बॉडी में कितने भी पार्ट है आपको सपोर्ट करेंगे। आप ऐसा नहीं करते हैं फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। आज कितने लोग हैं जो भागदौड़ करते हैं लेकिन अपने बॉडी को टाइम नहीं देते हैं। आप देख रहे होंगे कितने प्रॉब्लम्स है, आज एसिडिटी है, हेडेक है, बैक पेन है, वेस्ट पेन है, पेट बढ़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, बीपी शुगर हो रहा है, इन सभी से लोग बहुत सारे जूझ रहे हैं बिकॉज खुद के लिए टाइम नहीं दे रहे। तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुद के लिए फिटनेस के लिए टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने फिटनेस में रहोगे उतने फिट हो जाएंगे, फ्यूचर में कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सीरियस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा रोज का खाना एक्सरसाइज इस पर होता है फिटनेस डिपेंड। हम रोज़ जो भी खाना खाते हैं, हमारा प्लेट कैसा है, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसके साथ क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन पर ही अपना फिटनेस डिपेंड है, याद में रहिए। मैं बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहा हूँ और वड़ा पाव जंक फूड खा रहा हूँ, आपका बॉडी नहीं बनेगी, को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। एक अच्छा न्यूट्रिशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी को। जैसे हम रोज़ मतलब कुछ भी खाते हैं वैसे एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी के मसल्स बढ़ने के लिए अच्छा न्यूट्रिशंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा न्यूट्रिशंस क्या होता है, जिसमें बहुत तरीके से मैक्रोज, माइक्रोज, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 3, अलग अलग तरीके से विटामिन एंड मिनरल्स, इससे अपनी बॉडी अच्छी होती है। कुछ भी मतलब रॉ मतलब कुछ भी अननेसेसरी फूड खा के कभी भी अपना फिटनेस नहीं बनता है, ये ध्यान में लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने अपने बॉडी को हम ध्यान देंगे, जितने अपने बॉडी को हम देखेंगे उतना अच्छा महसूस होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं पर भी एक दिन भी हमको नज़रअंदाज नहीं करना है, रोज़ के रोज़ अपने फिटनेस को टाइम देना है, तो बहुत ज़रूरी है। हम जितने फिटनेस में रहेंगे उतना एक अच्छा सेहत हम पाएंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो जो भी फिटनेस के लिए फॉलो कर रहे हैं, ओके, तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, जो भी करना है वो साइंस बेस्ड करना है। अभी हमारे जबी जो न्यूट्रिशंस क्लब के हम जो वेलनेस कोचेस है, हम सभी लोगों को एक अच्छा डाइट देते हैं जो भी साइंस बेस्ड मील प्लान होता है, ओके। तो साइंस क्या कहता है, बॉडी को भूखा नहीं रखना है, एक अच्छा न्यूट्रिशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी 4 आवर्स बॉडी को अच्छे न्यूट्रिशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो पानी नहीं पिएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं बिकॉज 65% अपना बॉडी पानी से बना हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के साथ उसमें अच्छे मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी चीज़ें रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करता है, हाइड्रेटेड रखता है, ओके। बॉडी दूसरे दिन आप एक्सरसाइज करने के लिए आपके बॉडी रेडी रहता है, ये ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। हम जितना अपने बॉडी का ख्याल रखेंगे उतना आपको बॉडी आपका सपोर्ट करेगा, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारा आपको फिटनेस मतलब अच्छा हो जाएगा, बहुत सारा आपका जो मसल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि लाइफ टाइम कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये प्रोग्राम फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे जितने भी न्यूट्रिशंस क्लब है वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं,
तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स प्रॉब्लम रहते हैं, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी रहता है, बहुत सारे लोगों को हेडेक रहता है, बैक पेन रहता है, वेस्ट पेन रहता है, अनेक तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। ओके, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक एक अच्छा डिसिप्लिन जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, अच्छा खाना नहीं खा रहे हम, उसके लिए सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये फॉलो करना बहुत ही ज़रूरत है। हमको लाइफ में अच्छा फिटनेस लाना है, अच्छा रहना है, लाइफ टाइम फिट रहना है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या है इसके बारे में आपको मालूम रहना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 80-20 रूल जो बोलते हैं, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, 80% लाइफस्टाइल, 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज, इसके ज़रिए से एक अच्छा फिटनेस ला सकते हो जो कि आपके लाइफ टाइम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो चाहिए वो आप लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं। आपका फिटनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट। फिटनेस नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इम्यूनिटी पावर, फिट रहना, स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनिटी पावर कैसा रखना है ये भी एक कला है। ओके, इसके बारे में हम सभी लोगों को बहुत सारा मतलब गाइड देते हैं, टिप्स देते हैं। ओके, कैसे फिट रहना है, ओके, फ्यूचर में आपको अच्छा महसूस कैसा हो जाए, आपका फैमिली, पूरा फैमिली कैसा फिट हो जाए, आपका किचन कैसा फिट रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्सरसाइज के बारे में मेरा बहुत बड़ा सेशन हुआ था, मैंने वहाँ पर कहा था कि आपको बैलेंस एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है और कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज करना है। ये 4 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एक अच्छा प्लान बना के डे बाय डे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सभी तरह के एक्सरसाइज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक मेडिटेशंस भी आप ऐड कीजिए, मेडिटेशंस भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितना मतलब मेडिटेशन करेंगे उतना अपना माइंड शांत साइलेंट हो जाएगा। मेडिटेशन योगा करेंगे, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, एक अच्छा बैलेंस हमको मिल जाएगा जो कि बहुत सारे बीमारी को हमको मतलब नज़दीक नहीं आएगा। कौन सा बीमारी सिंगल डे आपको नहीं हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे चीज़ों का हमारे लाइफ में मतलब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम जितना ध्यान रखेंगे उतना एक अच्छा फिटनेस हमारे में आ जाएगा। ओके, तो ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। उसमें आप और एक ऐड कीजिए, आपका ब्रेकफास्ट कैसा है, आप ब्रेकफास्ट करते हैं नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट की शुरुआत कैसे करते हैं, इस पर आपका टोटल दिन आप उस पर निर्भर होता है। आप अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका बॉडी दिन भर में आपको साथ नहीं देगा, इनर्जेटिक आप नहीं रहोगे। जो भी आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो वो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होना चाहिए। लगातार मतलब वहाँ पे एक 20 ग्राम प्रोटीन्स और ऑल विटामिन्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतना देंगे तो आप दिन भर बहुत ही इनर्जेटिक महसूस करोगे, एक्साइटमेंट के साथ जो भी काम करना है वो करोगे। आपका माइंड को जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो सब वहाँ पे मिल जाएगा। आप जहाँ भी ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, टीचर्स है, कुछ भी हो, वहाँ पे आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा, साइलेंट रहेगा, जो भी आपको डिसीजन लेना है वो अच्छे तरह से ले पाएंगे। कब आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अच्छा होगा तब। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान में रख के ही काम करना आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। जो भी लोग ब्रेकफास्ट मिस करते हैं उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके, बहुत सारे दुविधा आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो ब्रेकफास्ट लेना ही लेना है। ओके, एक वेल न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब आपका एक न्यूट्रिशियस भरा ब्रेकफास्ट हो तो आपको कुछ भी मतलब आपके लाइफ में कुछ भी कम नहीं पड़ने वाला है, वैसे कि वैसे आपका फिटनेस रहने वाला है। तो तकरीबन आपका जितना वेट है, समझो 70 वेट है आपका, तो मिनिमम आपको 70 ग्राम प्रोटीन्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को वेट इंटू 1.2 ग्राम प्रोटीन लगता है, ये ध्यान में रखिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये साइंस कह रहा है। ओके, तो इतना लेना बहुत ही ज़रूरत है। आप क्या खा रहे हैं आप देख सकते हैं उसमें कितना प्रोटीन जा रहा है। मैं क्या खा रहा हूँ वो अपने बॉडी के लिए सही या नहीं, सही है या नहीं है, अपने अपने जो बिल्डिंग मसल्स है वो बिल्डिंग करने के लिए जो भी मैं फूड ले रहा हूँ सही है या नहीं है, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे तब ही एक अच्छा मतलब एक फिजिक बना सकते हैं, फिटनेस रह सकते हैं, मेंटली तौर पर फिट रह सकते हैं,
तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरत है। हम जितना मतलब तीक्ष्ण जिसे बोलते हैं, हम जितना बारीकी तौर पर हम उसको ध्यान रखेंगे उतना फ़ायदा होने वाला है। हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिटनेस नहीं रहेगा। ऑल ओवर फिटनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैर से लेकर सिर तक फिटनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिप एंड सिप आप हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज इसके तौर पर आप ये अचीव कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों मतलब आप नहीं कर रहे तो अच्छा फिटनेस नहीं होगा, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो कभी भी भूख लगता है तो हम क्या कह रहे हैं इसके बारे में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे भूख लगा मैं कुछ भी कहा, मुझे भूख लगा मैं जंक फूड खाया, मुझे भूख लगा मैं बहुत हेवी कैलोरीज फूड ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कभी भी फिटनेस नहीं बनता है। आपको फिटनेस करना है तो फर्स्ट आपको साइंस बेस्ड कैलोरी मैनेजमेंट का प्रोग्राम लेना होगा, जो कि हमारे सभी जो न्यूट्रिशंस क्लब के जो वेलनेस कोच है वो मतलब एक बेहतर सर्विस देने के लिए बैठे हैं। उनसे आप मिल सकते हैं, मेटाबॉलिंग प्रोपेलिंग कर सकते हैं, आपके हाइट के हिसाब से आपको कितना वेट चाहिए वो देख सकते हैं, और एक अच्छा प्रोग्राम लेके एक अच्छा फिटनेस बना सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो जाए। वैसे के वैसे फिटनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों तो फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, साइंस कह रहे हैं, WHO कह रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन एक्सरसाइज के तौर पर कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये करना बहुत ही ज़रूरत है। सेहत के लिए हार्मफुल हो जाए ऐसा कौन सा भी जंक फूड नहीं लेना है, बाहर का स्ट्रीट फूड नहीं लेना है, जिस फूड से बॉडी को कुछ मतलब फ़ायदा ही नहीं है ऐसा फूड नहीं लेना है। ओके, तो इसके बारे में कैलोरी मैनेजमेंट के थोड़ा सा बारे में आपको अवेयरनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कह रहा हूँ उसमें कितने कैलोरीज है इसके बारे में आपको जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरत है। ओके, कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज आया तो बहुत सारा कुछ आपने नॉलेज हासिल किया ऐसा समझिए। जो भी फूड कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज आया तो बहुत काम हो गया, हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में, वेट मैनेजमेंट के बारे में, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में, हाइड्रेट के बारे में, ये सब हमारे मेरे सभी न्यूट्रिशंस क्लब के जो वेलनेस कोचेस हैं आपको गाइड करेंगे। तो एक्सरसाइज करने के बाद जो भी हम मतलब न्यूट्रिशंस लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझो आप अभी ये हाथ का अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस यहाँ के मसल्स आपके ब्रेक होने वाले हैं, यहाँ के मसल्स आपके टूटने वाले हैं, उसके आइट्रोट्रॉफी कहते हैं हम। ओके, तो इस यहाँ पर हम मसल्स टूटने के बाद हम फूड क्या ले रहे हैं, इस यहाँ पे मसल्स बिल्डिंग के लिए हम अच्छे न्यूट्रिशन दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये बहुत ही ज़रूरत है। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ के मसल्स नहीं बनेंगे, एक अच्छा सेहत नहीं बनेगा। समझो आप मतलब बहुत सारा एक्सरसाइज किया है और उसके बाद जंक फूड और कुछ भी अटर शटर बटर खा रहे हो तो अच्छा बॉडी नहीं बन सकता है। ओके, आप एक्सरसाइज करने के बाद आपको अच्छा न्यूट्रिशंस लेना चाहिए, जिसमें माइक्रोज, मैक्रो, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, ओमेगा 3, मिनरल्स, हर्ब्स, इसका खजीना होना चाहिए। ओके, तो जब आप देंगे तो ही एक अच्छा सेहत बन सकता है। तो ये इसको आप नज़रअंदाज करके कभी भी आपका फिटनेस नहीं बनेगा। ओके, तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अच्छा आपको एक टाइम प्लान बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशंस करना है, एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से सब करना है, एक्सरसाइज होने के बाद अच्छा न्यूट्रिशंस लेना है, जंक फूड नहीं लेना है, खुद का केयर करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशंस करने के, योगा करने से आपको बॉडी को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको मतलब बहुत सारे विषय पर मैं रोज इसी टाइम पर आऊँगा अभी। ओके, तो आप इस टाइम पर मेरे साथ रह सकते हैं। बहुत हुआ एक 20 मिनट्स का मेरा सेशन रहेगा, 1 मिनट से लेकर 20 मिनट्स, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। ओके, तो अच्छा अच्छा टिप्स मिलेंगे आपको, आपके सेहत के लिए, आपके फिटनेस के लिए, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए। बहुत सारा मतलब अलग अलग यहाँ पे मेरे सेशंस होते हैं, आप प्रीवियस स्क्रॉल्स करके भी देख सकते हैं। अलग अलग विषय पर मैंने यहाँ पे जो डिस्कस करके रखा है, जो कि डेली लाइफ में आपको उसका बेनिफिट हो जाए, आपको हेल्प हो जाए आपकी अच्छी सेहत बनने के लिए, यही मेरा इंटेंशन है। मेरा इंटेंशन यही है, मेकिंग वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। सब लोग हैप्पी रहना चाहिए, सभी लोग हेल्दी होना चाहिए, अपना जो टोटल इंडिया है वो फिट इंडिया होना चाहिए।
उसके लिए अपना परिवार फिट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फिट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो न्यूट्रिशंस वेलनेस कोचेस के जो भी है उनको कॉन्टेक्ट करना शुरू कीजिए, एक अच्छा मील प्लान लेना शुरू कीजिए, फिटनेस को शुरू कीजिए। फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, फिटनेस से ही अच्छा हैप्पी महसूस कर सकते हो, एक बेहतर लाइफ अपना बना सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कमेंट्स कीजिए, आपको कैसा लगा है क्या नहीं, मुझे मेरे लिए कमेंट्स यहाँ पे छोड़ सकते हो। ये सेशन आपको अच्छा नहीं अच्छा लगा या नहीं लगा है, ओके, क्या यूज़फुल लगा है जो भी मैं आपसे बताऊँ, मेरे लिए कमेंट छोड़ सकते हैं आप, मेरे लिए एक लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को या शेयर कर सकते हैं। ओके, तो फिर कल मैं मिलूँगा एक अच्छा सब्जेक्ट लेके आपके साथ। तब तक मुझे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप सभी लोग वैल्यूएबल टाइम निकाल के मेरे पेज पर आप यहाँ पे सुन रहे हैं। आप टाइम तो बहुत हो चुका है, फिर भी मैं आपसे मतलब कल फिर से मिलूँगा एक अच्छा सब्जेक्ट लेके, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।